हरियाली तीज पर महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। यह परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित कल्किराम ने इस परंपरा के पीछे की कहानी और उसके वैज्ञानिक और धार्मिक आधार को विस्तार से बताया है। 16 श्रृंगार का महत्व हिंदू धर्म में मान्यताओं में गहराइयों से निहित है। हरियाली तीज को देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के स्वरूप में प्राप्त किया था। इस खुशी के अवसर पर महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार करने की परंपरा शुरू हुई थी। 16 श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, काजल, नथ, हार, कानों के झुमके, बाजूबंद, अंगूठी, पायल, बिछुए, कंघी, इत्र, गजरा और कमरबंद शामिल होते हैं। यह श्रृंगार न केवल महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि उनके वैज्ञानिक जीवन में भी सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अलावा 16 श्रृंगार के वैज्ञानिक आधार भी हैं। हरियाली तीज के दौरान किए जाने वाले 16 श्रृंगार का महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है।